हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज हमने दिन में सिर्फ ये एक ट्रेड लिया था, जो कि हमने लिया था 10 बजे। इस ट्रेड को हमने फिबोनाची के वजह से लिया था, जैसे कि हमने फिबोनाची अप्लाई किया था और इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया और 10 बजे की कैंडल पे इसने रिटेस्ट किया, तो हमने 10 बजे की कैंडल पर एंट्री ली और जिसमें हमने 20 पॉइंट का SL रखा और अराउंड 40 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, जिसमें से कि इसने इस पॉइंट पे आकर मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया इस बॉक्स के अंदर। और इस टाइम पे हमने अपना SL हाफ कर दिया था और उसके कुछ टाइम बाद हमने अपना SL कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। तो ये मार्केट जब साइड वेज हो गया तो हमने अराउंड 800 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक किए थे और उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा और एट द एंड इसने यहाँ पे फिर इस बॉक्स के आसपास यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देकर एट द एंड टाइम पे इसने मोमेंटम दिया है और फिर इसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया। बट हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो चुके थे। बहुत से लोगों ने इस बॉक्स के ब्रेकआउट पे भी एंट्री ली होगी ये समझ के कि अब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मोस्टली बिगनर्स ट्रेडर ने एंट्री ली होगी और उन सब ने अपना SL हिट करा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती थी। यहाँ पे सिर्फ अब वही लोग बैठे थे जो अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट या टारगेट टू टारगेट ट्रेल कर रहे थे। यहाँ पे किसी ने भी नए ट्रेडर ने एंट्री नहीं बनाई होगी। मोस्टली यहाँ पे उन लोगों ने एंट्री बनाई होगी जो नए ट्रेडर्स है और उन्होंने अपना SL हिट करा लिया होगा। एट दिस पॉइंट यहाँ पे 2:25 पे एंट्री बनती है, 2:25 के बाद, क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दी और उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडल के लिए रिटेस्ट भी किया, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी। इस पॉइंट पे एक एंट्री बनती थी, हालांकि हमने 2 बजे अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी, तो इसके बाद हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।